एक फैन की हालत को देखकर तेजस्वी प्रकाश अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं। एक फ्रेंड के बारे में, एक फ़ैन के बारे में सॉरी सुनकर तेजस्वी प्रकाश बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं। और अब तेजस्वी प्रकाश देखिए बहुत ज़्यादा उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब एक रिग्रेट हो रहा है तेजस्वी प्रकाश को कि भाई उन्होंने क्यों वो चीज़ पहले एड्रेस नहीं की है, आखिर क्या हुआ है, पूरा माजरा क्या है, किस फ़ैन से उन्होंने बात की है। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। आज फ़ैन उनका इस दुनिया में नहीं है और ये बात जब तेजस्वी प्रकाश को पता चली तो देखिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। अभी फ़िलहाल वो इंडिया में नहीं है, मैक्सिको में है, लेकिन वहाँ से वो ट्विटर के ज़रिए आप एक फ़ैन से बात कर रही थी। दरअसल 8 मार्च को एक फ़ैन ने ट्वीट किया था तेजस्वी प्रकाश को टैग करते हुए, दैट आई लव यू अलॉट, आई नो ट्विटर से बहुत ज़्यादा नेम्स मिले बट आई कैन टॉलरेट एवरीथिंग फॉर यू। यानी कि उस फ़ैन को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ट्रोलिंग का भी शिकार होना पड़ रहा था तेजस्वी की वजह से, या फिर जो भी चीज़ें रही होंगी। आगे उन्होंने लिखा, आई लव यू अलॉट माई बेबी, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, एक चीज़ का रिग्रेट रह गया दैट आई विल नेवर मीट यू। उसके बाद उन्होंने हार्ट ब्रेक वाले इमोजीज बनाए, उन्होंने कहा कोई नहीं, सी यू इन नेक्स्ट लाइफ, बाय फॉर एवर। ये मैसेज देखकर, ये ट्वीट देखकर तेजस्वी प्रकाश के होश उड़ गए। मतलब तेजस्वी प्रकाश बहुत शॉक्ड हो गई। उन्होंने तो अब 9 घंटे पहले देखिए, जब जैसे ही उनको ये ट्वीट दिखा होगा वैसे उन्होंने एक कमेंट किया इस पर, कैन समवन प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड, इज शी ओके। मतलब बेसिकली कंसर्न्ड हो गई तेजस्वी प्रकाश बहुत ज़्यादा अपने फैन के इस ट्वीट को देखने के बाद। उन्होंने पूछा कि शी ओके, फिर किसी ने रिप्लाई किया जो कि ऑफकोर्स तेजस्वी प्रकाश की ही फैंडम का एक फैन थी, उन्होंने कहा शी हैड कैंसर इन हर लास्ट स्टेज एंड शी डाइड। मतलब इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट दैट वो उनका लास्ट ट्वीट था तेजस्वी के फैन का। और अब तेजस्वी प्रकाश बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई उस पूरे इंसिडेंट को देखकर। जब तेजस्वी को पता चला दैट शी, इट वॉज हर लास्ट स्टेज एंड नाउ शी इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, तेजस्वी ने कहा दिस इज़ ट्रूली अनफॉर्चुनेट, हाउ आई विश आई मेट हर। मैं मतलब दुआ करती हूँ कि मैं उनको मिल पाती, एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड रेस्ट इन पीस माई लव। तो तेजस्वी प्रकाश बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई अपने इस फैन के लास्ट ट्वीट को देखने के बाद। एंड डेफिनेटली अब मतलब उन्होंने लिखा है कि काश वो मिल पाती लास्ट पे, बट ऐसा नहीं हो पाया। बाकी उन्होंने प्रे किया है दैट शी ऑलवेज रेस्ट इन पीस। इस मतलब इस पूरे इंसिडेंट से ये तो डेफिनेटली क्लियर हो जाता है दैट तेजस्वी प्रकाश माइट बी बिजी अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने वर्क में, अपने काम में, बट जब भी उनके फैंस की कोई भी ऐसी सिचुएशन उनके सामने आएगी या आती है तो डेफिनेटली तेजस्वी इज़ सो हम्बल एंड काइंड इनफ कि वो इन सबको चाहे जितना भी उनका बिजी शेड्यूल हो बट वो सबको एड्रेस ज़रूर करती है। इस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताइए।